लगने का कि अंदर वो है नहीं है जनाब प्राइस है, लेकिन आम 6 दिरहम बिकते हैं डबल, और बेलपुरी की प्राइस 5 दिरहम। ये देखें जी, हमने मंगवाया आज कीमा सैलड रोटी और आ रहा है हमारा नाश्ता, सॉरी आ गया हमारा नाश्ता। तो जितना वीडियो एडिट कर रहा था और पता नहीं इसको क्या मसला हुआ, वह देखना क्या कहता है ये। नहीं, एरर ऑक्युपाइड ड्यूरिंग एक्सपोर्ट, एरर आ गई नहीं हुई, ये एरर आई जा रहा है, पता नहीं क्या मसला है, इसको समझ नहीं आ रहा। रात में 4 दफ़ा कर चुका हूँ। चले जी रोटी खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। जी गाइस, हमारा बब्बर शेरा मिलने आ गया था और हमने जाना है इधर, हमारा दूसरा दोस्त है उसके पास बैग शेक रखेंगे और घूमेंगे फिरेंगे ऐसे करेंगे। और हमारा भाई पार्किंग, ये मेरे ख्याल ये वाला है हाँ, ये वाली बिल्डिंग है सामने वाली, हाँ ये वाली बिल्डिंग है। चलो अब इधर आप कहीं लगाए गाड़ी, हमारा सामान उतारें और फिर हम जाएँ अपने दोस्त के पास और आप जाएँ अपने घर। हाँ मोबाइल शोबाइल भी आ गए जी, एक मिनट सामान वगैरह उतार लो फिर आप लोग। अभी नहीं, अभी तो चलाना हो जाता है यहाँ पे। कौन सा मुल्तान है, क्यों सा ऐसे ही है ना, ऐसे ही है भाई जान। जी गाइस, आ गए हम सीधा रूम में और किसके, अपने दोस्त पागल के। ये यहीं पे होता है, ये सारे अपार्टमेंट इसी के हैं, यानी कि एक रूम इधर है, एक रूम उधर है, एक रूम उधर है, और ये 2 BHK का अपार्टमेंट है, ये यहाँ का कारोबार करता है, यही वाला पार्टीशन का ना। दिनों में अच्छा पैसा इसने कमाया। बाकी हमारे फ़ोन जो थे अलहमदिल्ला आ गए, मैंने 6 फ़ोन बुक किए थे यहाँ पे, 6 के 6 मेरे ना यही है 15 Pro Max ना, ये देख लो ऐसे जाते हैं पाकिस्तान ना खुल के, फिर वहाँ जाके दोबारा सील हो जाएंगे। 6 के 6 आपके भाई ने लिए थे, चलो मैंने कहा चलो आए मेरे, छोटा मोटा काम तो कर लें। अब मैं सोच रहा हूँ खर्चे की क्या बात है यार, आपको पता गरीब भाई आपका मजदूर आदमी है, हम मजदूर हैं तो आपको पता हो भाई करता ही करता है, तो बाकी जिधर से जो मिलता है आपका भाई ले लेता है। तुम तो उठ जाओ नशा ही, खड़े हो जाओ, होश में आ जाओ, होश में क्या करेगा वो, ये सोने दोबारा सामान हमारा, एक बैग ये पड़ा हुआ, एक बैग ये पड़ा हुआ ऊपर है, एक ये हैंड कैरी है और एक ये हैंड कैरी है, बहुत सारा सामान है। जल्दी से मोबाइल छुपाइल हाईजैक कर लो, कहाँ छुपाने क्या करने आपको पता ही है, क्या मामला होते हैं, बाकी बात करेंगे। वीडियो एडिट हो रही है, अभी तक एडिट नहीं हुई, पता नहीं कोई आई क्लाउड का मसला आ रहा, अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह करके वो जब मेरी जान छूट जाए इससे, और मैं बड़ा अजाब में आया पड़ा हूँ। मैं अब सोच रहा हूँ 1 TB वाला 1000 GB वाला मोबाइल लूँ, देखो फिर मसला आ गया, हो गया आगे मसला आ गया, हो गया एक्सपोर्ट है ना। योर फोटो लाइब्रेरी द मूवी वाज एक्सपोर्टेड टू योर फोन, हो गया शुक्र अल्लाह का, हो गया अब जान छूटी है कसम खुदा की, रात 4 दफ़ा एक्सपोर्ट गया, मेरे सर में दर्द रहा है। फैजान अली पानी की बोतल ले आया, ये फैजान जी मेरा दोस्त है, भाई है मेरे से बहुत छोटा है, मेरी गली में रहता है, मौलेदार था मेरा, यहाँ आके आके बड़ा VIP सेट हुआ पड़ा, अल्लाह इसको और तरक्की दे, आया था कुछ लेके, अब तो माशाल्लाह सब अच्छा है, पैसे, पैसे, पैसे में खेल रहे सब अच्छा है बड़ा, इसका नहरी आएंगे। आज हम दिन में जल्दी उठ गए थे और हमने सोच लिया कि हम जाते हैं पर दुबई, छोटे भाई और बड़े भाई पे अगर, तो वहाँ बैठे हुए तो उनसे मिलेंगे, आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों के इतने कमेंट्स थे कि छोटे भाई बड़े भाई से मिलो, तो पर दुबई, ये दुबई है और वो बर दुबई है, आप लोगों ने कहा कि भाई जाओ मिलो उनसे, उनकी बर दुबई में शॉप है, मेन शॉप जो उनकी है, तो जा रहे हैं जी, इस कश्ती में जाया जाता है, पहले भी आपको ये कश्ती दिखाई भी है मैंने, आज फिर आपको दिखाता चलूँ मैं, तो मैंने कहा देख लें आप लोग, एक धर्म लेती है ये, हम 4 नमूने और हम जा रहे हैं सीधा बर दुबई, इंशाल्लाह वहीं मिलते हैं आपसे। काफ़ी मामला थे आप लोगों के ना, डिस्कस कर रहे थे हम उससे, तो मैंने कहा चलो मेरे भाई वगैरह जो बात कर रहे हैं अब पूरी कर देते हैं आज, इसी वजह से ना हम दिन में आ गए आज ना, क्योंकि हमारा ये फैदान डॉन जो है ना यहाँ पे, ये डॉन बना पड़ा है 2 साल से यहाँ पे है, भाई है मेरा छोटा, शर्टें वगैरह देखें यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी लगी हुई है, ये बार दुबई में आ गए हम, चीज़ें सस्ती भी हैं महंगी भी हैं और एग्जीबिशन भी यही लगती है बार दुबई में, अब सीज़न लग गया ना 3 महीने का, 3 महीने यहाँ एग्जीबिशन लगेगी, यहाँ ऐसी ऐसी ड्रेसिंग है कमाल कमाल की,
बड़ी जबरदस्त चीज है ये देखें। चलो जी चलो वो देखें ड्रेसेस, अरेबिक ड्रेसेस हैं ये। सारे आते हैं गोरे, हर नई नस्ल का बंदा यहाँ मिलेगा आपको। पहले तो जब भी आया आपको अंधेरा ही दिखाया हमने, बंद दिखाई चीज़ें, आज आपको खुली खुली चीज़ें दिखाते हैं। ये मनी एक्सचेंज की दुकान आ गई, बूट बूट वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, ये देखें जबरदस्त। बाकी चलते नहीं, जब तक मोबाइल पे चलते हैं सबसे पहले, बाकी काम बाद में करेंगे। करो जी वेरा आया है, क्या बात है, क्या बात है। गाड़ियाँ आपको पता है यहाँ पर लेविज किस्म की गाड़ियाँ चल रहे हैं। सीधा दमदम मोबाइल, छोटे पैन बड़े पैन, ये क्या बेच रही है? हाँ हाँ मैंने देखी है टिकटॉक पे लॉटरी, यहाँ की लॉटरी बड़ी फेमस है जी। लॉट हाँ जी, अंदर मोबाइल पे छोटे पैन बड़े पैन, लेकिन अंदर मुझे लग नहीं रहा कि अंदर वो है, नहीं है जी वो। लो जी आप लोगों की मोहब्बत में हम अंदर तो आ गए, लेकिन वो अंदर तो है कोई नहीं। ये देखो इनकी ये मेन शॉप है, सबसे ज़्यादा मेन शॉप इनकी यही है, ये देखिए। रात को आएंगे 9 बजे, रात को 9 बजे आते हैं वो, तो पानी फ्री था इधर। अब 9 बजे तो मिल नहीं सकते आज उनसे, क्योंकि आज हमारी 9 बजे की तो फ्लाइट है, 6 बजे हमें एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, शॉप देख ली है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में आऊँगा, फिर व्लॉग ही व्लॉग बनाएंगे उनके साथ मिलके। टेंशन नहीं लेनी आपने, आप लोग रहें साथ साथ। क्या प्लान है जी, चलें हैं? चलो चलते हैं जी। है जी पर दुबई की पुरानी इमारतें, पुरानी बिल्डिंग है वो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे है। और उससे पहले मैंने कहा आपको बहरी जहाज दिखा दें, बहरी जहाज बड़े सेक्सी स्मेक्सी खड़े हुए हैं, ये देखिए। वाटर टैक्सी कह रहे हैं जो मेहर भाई, समझ तो मुझे कुछ आ नहीं रहा, लेकिन जहाज बड़े प्यारे प्यारे हैं, मैं कहा रेंट पे देते होंगे किसी टैक्सी टैक्सी बोल रहा है। बड़ी यॉट खड़ी है, देखिए आपने बड़ी यॉट देखी पीछे खड़ी है। हिंदुस्तान के लोग भी बहुत हैं इंडिया इधर ना दुबई में, और इनका मैंने सुना मंदिर भी है यहाँ पे, है ना मंदिर है ना, पूजा की है तुमने? और जी ये आ गई बड़ी, ये देखिए कितनी बड़ी है। और हम जा रहे हैं उधर, वो है पुराना, अब सीधा वहीं मिलता हूँ आपको। हिस्टोरिकल प्लेस सारी है, हिस्टोरिकल प्लेस हैं ये इनकी, देखें आप इनके आर्ट हैं कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। और ये देखें ये हमारे ये अरबी शेख की तस्वीरें लगी हुई सारी ना, ये इनका कल्चर है, सारा इनका कल्चर है। ये दूसरे रूम है, इधर दूसरी सेटिंग है, और दिखाते हैं आपको, ये इसकी तीसरी सेटिंग है, ये देखो अंदर भी पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी, ये सारा निकल, ये औरतें हैं इनकी, इनका कल्चर है। दरवाजे चेक करें, ये देखें जी, अरे भी लोग पहले किस तरह लाइफ गुजारते थे अपनी, बड़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये ना। बस वो अंदर ही अंदर भूल भुलैया है, मैंने घूमते जाओ, ये देखें जी हमें कहीं कहीं नज़र तो लगे। चलो हम तो घूम ही रहे हैं, हमारे दोस्त भी घूमे, ये इनका मैदान आ गया जी। अच्छा एक और चीज़ आ गई, पढ़ने पर क्या लिखा, सिक्का साना रूम, ठीक है जी। और जी आगे तो वाशरूम आ गए ना, बाकी देखिए ये बर दुबई है, लोग पिक्चर्स बना रहे हैं अपनी ना। एक रूम रह गया वो भी आपको दिखाता चलो, ये वाला रूम रह गया था, ये देखिए बस
इन हिस्टोरिकल कराया हुआ भारत दुबई के अंदर ना, इन्हें कराया बाहर। अब जी बस पूरा लंबा है, घूमते घूमते बहुत बड़ा है भाई, इतनी जान नहीं है हमारे अंदर। ये देख लीजिए करीम बाइक, ये तो मैंने पहले भी दिखाई था। चलो यार कहीं बैठते हैं, कुछ खाते हैं। ये आज इनकी पानी पूरी पकौड़े की शॉप, और मैं दिखाता चलूं किस तरह है और ये कहाँ बैठे हैं। हाँ बैठो बैठो बैठो, काले 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 भर दुबई के अंदर है। ये छोटी छोटी जिन्होंने स्टॉल लगाई हुई है, ये पकौड़े पकौड़े एक बार का आएगा, बीस बार आएगा। ये बताइए ट्रेडिशनल पकौड़ा ये कौन सा है? ये पटेट चिप, ये पटेट वड़ा, ये वेजिटेबल समोसा, चिकन समोसा, चीज समोसा, पटेट समोसा, चिल्ली भजी, मीट वड़ा, दाल का वड़ा, बनाना, चिकन कटले, चिकन रोल। वाह 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 वाह, वैसे आपस की बात, टेस्ट बहुत ही आला है, बहुत आला टेस्ट है। ये गोलगप्पे हैं और बड़े कड़क पड़क हैं। अंदर चलेंगे, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, रश वगैरह अच्छा है, इसका निदाम है। अंदर बन रहे हैं, छोटी सी दुकान है, एसी वगैरह लगे पड़े हैं, बहुत जबरदस्त मॉल बनाया है उन्होंने। हमारे पकौड़े खा के बताते हैं कैसे हैं आपको। मतलब दो और चटनी है, धुआं निकाल रही है तो इतनी देर करनी है। आपने खाया? मैं भेलपुरी और पानी पूरी खाऊंगा। पकौड़े भी चख लो आप, सही है, लाल चटनी के साथ ही बड़े मजे के। बेलपुरी, पहले पकौड़ों का कबाड़ा किया, उससे पहले पानीपुरी का कबाड़ा किया, अब आ गई बेलपुरी। मैंने कहा सारी चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन एक आपस की बात है, अल्लाह की कसम हर चीज़ में इतना टेस्ट है ना, जब भी आप दुबई आए, बर दुबई आए, इस शॉप पे लाजमी आइएगा। मैं इनको जानता नहीं हूँ, मैं वैसे ही तारीफ कर रहा हूँ, मुझे अच्छी बहुत लगी। मैंने ड्यू भी मंगवा ली, ड्यू की प्राइस भी नॉर्मल है, 3 दिरहम प्राइस है, लेकिन आम 6 दिरहम बिक रहे हैं डबल। और बेलपुरी की प्राइस 5 दिरहम, 7 दिरहम, 6 दिरहम, इस राउंड अबाउट है इनके। 4-5 बंदे अच्छा रज के खाएंगे। भजन बताया आपको? हाँ व्हाट, नहीं ओके, या गुड गुड ओके। ये भाई अंग्रेज था, ओके करो। यहाँ का जी ये क्या बेलपुरी ये उठाओ, ऐसे पानी पूरी, पानी है इसमें, पानी मिलाओ और फिर खा दो। अरे मरा करी थे ना यहाँ पे, हमें उदास हो जाएगा हमारे बगैर। 10 दिन दोबारा आएंगे, 10 दिन पूरी खा लिया जी, सारी चीजें खा रही है। फैजान डॉन जो है ना, मैं बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा हूँ यहाँ पे, और मेहरबानी है जी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमें बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं जी। आपके पास जितने बंदे हो यहाँ कम है, क्योंकि ना फिर अलग अलग लगा रहता है, शुक्र मेला लगा रहता है, आप इंजॉय करते रहते हैं और आप बोर नहीं होते यहाँ पे। प्रदेश में अगर आपके अपने 5-7-10 बंदे हो ना, तो आप कभी बोर नहीं हो सकते। बंदा रोज एक दिन एक के पास जाए, एक दिन एक के पास जाए, एक दिन एक के पास जाए, इस तरह बोरियत नहीं होती आपको। बाकी जा रहे हैं वापसी की तरफ, सीधा होटल में जाएंगे, वहाँ से बैग वगैरह उठाएंगे और सीधा टैक्सी कराएंगे और सीधा पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। और आपको एयरपोर्ट भी दिखाते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप के, उधर टैक्स बिल्कुल फ्री होता है, वहाँ चलते हैं सीधा, वो भी दिखाते हैं। हम फैजान की पार्टीशन में, और फैजान जो काम करता है वो ये काम करता है, ये देखें ये, क्योंकि आप भाई इधर दुबई आएंगे तो आपको रूम शूम जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, और अगर आप ये वाला बेड लेंगे तो इस बेड की प्राइस है 500 दिरहम, का मतलब है 40,000 रुपये इस बेड पर रहने का किराया है एक बंदे का। अगर दो बंदे रहते हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो कितना हो गया 1,000 दिरहम, यानी एक बेड का किराया हो गया 80,000 रुपये। ये इतना बड़ा कमरा है, इसको बोला जाता है बेड स्पेस। तो ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इस कारोबार में, और आपके पास पैसे हों अच्छे, इस जैसे 10-20-25 बना दो आप, लेकिन इस काम में पैसे अच्छे खासे लगते हैं, यानी कि एक अगर आप बनाएंगे तो तकरीबन 40-50 लाख रुपये दो कमरों वाले सेटअप पे बनेगा। अभी ये एक कमरा हो गया जिसमें 10 बेड लगा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10। अब ले चलता हूँ आपको, ये लॉकर हैं इनके, इधर वाशरूम एक, ये किचन, अंदर वॉशिंग मशीन है सबकी ऑटोमेटिक है, यहाँ पर खाना बनाएं जो मर्जी करना करें,
और ये लॉकर इन सब के अलग अलग नंबर लगे हुए हैं, अलग अलग मामलात हैं। और एक रूम ये है, 2, 4, 6, 8 इधर 8 कमरे हैं। उसके बाद चलते नहीं दूसरी जगह, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एक ये वाशरूम है, ये लॉकर है और ये सारे इनके मामलात हैं। क्योंकि हमने बैग यहीं रख दिए थे, हमारा चेकआउट हो गया था सुबह 2 बजे, फिर हम यहाँ बैग रख के बर्दू भाई चले गए थे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद से ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप में से किसी ने ये काम करना हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं उसको बता सकता हूँ। मेरा भी मुस्तकबिल में यही प्लान है कि मैं इसकी इस जैसे 10-12 आराम से बना के और सुकून से रोटियाँ खाऊँ। मेरा कोई प्लान नहीं है खवारी काटने का, यही प्लान है कि 10-12 एक दफ़ा बना दूँ। और लड़के आपको पता है मेरे पास हैं 1-2, और बस वो रिकवरी शिकवरी करेंगे, हर काम वो खुद ही करेंगे, और आपका भाई करेगा दुबई की व्लॉगिंग, आपको बताइए। अल्लाह हाफिज़।